गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वायरस जनित रोगों में हमने कल यानी इससे पहले वाली क्लास में एड्स रोग के बारे में पढ़ा। एड्स के जो रोगजनक हैं, एड्स का जो संचरण का तरीका है, एड्स के लक्षण, उसके बचाव व उपचार, उसकी जांच कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अभी एड्स में ही अपन कुछ और पढ़ेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो है HIV, जो कि एड्स रोग का रोगजनक है। उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, कि संरचना का पता लगने से हमारे सामने बहुत सारे और नॉलेज हमारे सामने आएगी कि HIV है वो कैसा दिखता है, क्या कारण है कि इसकी अभी तक कोई दवाई या पर्टिकुलर इसका परमानेंट जो इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, HIV की संरचना। वैसे तो जितने भी वायरस हैं उनकी संरचना में कोई ज़्यादा जटिलता नहीं होती, लगभग सभी की संरचनाएं दो ही तरह के अणुओं से मिलकर बनी हैं। इसमें एक तो उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा प्रोटीन, दोनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियो प्रोटीन। तो वायरस जो सभी हैं वो एक तरह के न्यूक्लियो प्रोटीन अणु होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो HIV है उसकी संरचना में इसके केंद्र में ये RNA जो कि इसका आनुवंशिक पदार्थ है। ध्यान देंगे कि विषाणु ऐसे होते हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ जो है वो RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, लेकिन HIV की स्थिति में HIV का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो RNA होता है और वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। यानी इसका जो ये आनुवंशिक पदार्थ है ये कहलाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यानी एक सूत्री RNA। देखो एक सूत्र से बना है, ये भी एक सूत्र से बना है, तो दो इस तरह के अलग अलग सूत्र RNA के इसके केंद्र में पाए जाते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कहला रहा है। इसमें यहाँ पर अपन देखते हैं कि इन जो RNA हैं इनके सिरों पर ये एक प्रोटीन एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं RT, यानी रिवर्स ट्रांस क्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि RT। ये एंजाइम है और यही एंजाइम HIV की सबसे ज़्यादा पावरफुल स्थिति का कारण है कि वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का ये जो एंजाइम है ये होता है दोनों ही RNA पर। यहाँ पर और देखें अपन तो कुछ और प्रोटीन एंजाइम मौजूद होते हैं जिसमें ये हो गया इंटीग्रेज, ये हो गया प्रोटीएज, ये एंजाइम है और ये विषाणु को परपोषी के शरीर में अपनी संख्या बढ़ाने में सहायता करने के साथ साथ परपोषी के शरीर में अंदर प्रवेश करने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी उस परपोषी की जो कोशिका झिल्ली है उसको गला कर अंदर प्रवेश कराने में एंजाइम योगदान देते हैं। तो प्रोटीज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, तो ये RNA जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है ये केंद्र में स्थित होता है। इसके चारों तरफ फिर प्रोटीन का आवरण, इसके चारों तरफ
प्रोटीन के दो आवरण पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बात की थी कि जो विषाणु है वो मुख्य रूप से, अपन बात करें दो ही चीज़ों से बने होते हैं मुख्य रूप से, एक तो प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड, जो कि आरएनए के रूप में केंद्र में मौजूद है, और जो चारों तरफ है वो इसके दो आवरण पाए जाते हैं, दो आवरण जो है वो इस प्रकार से हैं, यानी कि ये जो प्रोटीन के आवरण हैं इनको कहते हैं कैप्सिड। विषाणु के चारों तरफ मौजूद प्रोटीन आवरणों को ये जो प्रोटीन के दो आवरण हैं इनको कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, तो दो ही चीज़ें होती हैं वायरस में, एक तो उसका आनुवंशिक पदार्थ और एक उसका कैप्सिड मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन के आवरण हैं, जो अंदर की तरफ ये प्रोटीन का आवरण है, इसको तो अपन बोलते हैं P24 प्रोटीन का आवरण है, और बाहर वाला हो गया P17। तो दो कैप्सिड के आवरण इसमें वायरस के चारों तरफ पाए जाते हैं। इसके अलावा इनको थोड़ा दूरी पर लिख देते हैं ताकि दूसरे अवयवों को लिखने में दिक्कत ना हो, P24 और P17। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा विषाणु जो HIV है उसके चारों तरफ दो अतिरिक्त आवरण पाए जाते हैं इस तरह से, दो अतिरिक्त आवरण पाए जाते हैं, एक ही आवरण हो गया, एक आवरण और बना देते हैं। ठीक है, ये हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यहां लिख देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि RT। तो ये दो अतिरिक्त आवरण हो गए, ये जो आवरण है ये भी प्रोटीन से बने होते हैं, और इन आवरणों के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन के अणु धसे हुए होते हैं, यानी इनमें बीच बीच में हम ग्लाइकोप्रोटीन के अणु बनाएंगे, जैसे यहाँ बना दिया अपन ने ये ग्लाइकोप्रोटीन का अणु, एक इधर बना देते हैं, तो इसमें ग्लाइको प्रोटीन के अणु धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइको प्रोटीन के जो अणु हैं ये अंदर की तरफ से हमने इनको ये इस तरह से राउंड कर दिया,
ग्लाइकोप्रोटीन के जो अणु हैं वो पाए जाते हैं इनके ऊपर, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाती है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के अणु बन चुके हैं। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के अणु हैं जो धंसे हुए हैं, इसके अंदर जो अतिरिक्त आवरण हमने यहाँ पर बनाए थे, इनमें ये ग्लाइकोप्रोटीन के अणु धंसे हुए हैं। इसमें ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के अणु हैं, इसमें ये वाला जो सिरा है और एक ये है, इसको हम कहते हैं जीपी 120 और ये है जीपी 41, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एचआईवी की संरचना में, हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी एक सूत्री आरएनए केंद्र में स्थित होता है। ये एक सूत्री आरएनए है जो कि केंद्र में स्थित है, और ये जो एक सूत्री आरएनए है इससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम जुड़ा हुआ है, आरटी, जो कि एकमात्र एक एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बना सकता है, ये आरटी। अदरवाइज आरएनए से डीएनए कभी नहीं बन सकता। डीएनए आरएनए को बना सकता है, जिसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बना सकता है, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नाम दिया है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आरटी एंजाइम है। इसके अलावा प्रोटीएज एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है, इंटीग्रेज एंजाइम इसको परपोषी की सतह पर चिपकने में सहायता करता है और उसको प्रवेश कराने में सहायता करते हैं एंजाइम। इसके चारों तरफ जो ये केंद्र में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसके चारों तरफ प्रोटीन के दो आवरण मौजूद हैं। ये अंदर वाला आवरण जिसको हमने नाम दिया है ये P24, इसके बाहर एक आवरण और है प्रोटीन का जिसको P17 कहा गया है, और दोनों आवरण जो हैं ये मिलकर कैप्सिड कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस कैप्सिड के बाहर दो अतिरिक्त आवरण और होते हैं प्रोटीन के, ये आंतरिक आवरण और ये बाहरी आवरण। तो ये जो आवरण है, इन आवरणों में ग्लाइकोप्रोटीन के अणु धंसे हुए होते हैं। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन के अणु धंसे हुए हैं वो इस प्रकार से हमने ये संरचनाएं बनाई हैं, और ये एक तरह के ग्राही होते हैं जो हर विषाणु की सतह पर पाए जाते हैं, और इन ग्राहियों को ही पहचान कर इनकी जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता या इनकी किसी सतह से जुड़ने की क्षमता के आधार पर ही
वैक्सीन तैयार किए जाते हैं। तो अभी ये जो संरचना है, इस पूरी संरचना को समझकर ही हम देखते हैं कि इसके चारों तरफ बहुत सारे ग्राही हैं जिनको अपन ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं, और इसमें से जो एक है जीपी 120 और एक है जीपी 41। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एचआईवी की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। वैसे बेसिकली जो एचआईवी है ये दो तरह का होता है। एचआईवी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक होता है एचआईवी फर्स्ट और एक होता है एचआईवी सेकंड। ठीक है, तो जो एचआईवी फर्स्ट है ठीक है, ये ही एड्स रोग उत्पन्न करता है। एचआईवी फर्स्ट जो है एड्स रोग उत्पन्न करता है, ये एचआईवी फर्स्ट की ही संरचना हमने बोर्ड पर बनाई है। तो ये संरचना आप अच्छी तरह से इसको अपनी नोटबुक में बना लीजिए और इस संरचना को अच्छी तरह से पढ़िए। इसका तरीका अपन ने बनाने का स्टार्टिंग से लिया है, उसको अच्छी तरह समझिए। और दो तरह के एचआईवी होते हैं, एचआईवी फर्स्ट एचआईवी सेकंड। तो एचआईवी फर्स्ट होता है वो एड्स रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपने अभी इसमें नोट डाल दिया गया है कि 19 तारीख शुक्रवार को आपका जो इससे पहले वाला लेसन है प्रतिरक्षा तंत्र, उसका टेस्ट लिया जाएगा। यहीं आपको कुछ क्वेश्चन इस पर व्हाट्सएप पे दे दिए जाएंगे, आप उनको घर पर पूरी ईमानदारी से सॉल्व कीजिए। बी सेफ, स्टे होम।